बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है जी, मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूं, और ख़ासकर उन भाइयों के लिए है जो आज़ाद काम करते हैं। अच्छा, आज़ाद भी बहुत से बंदे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप दिहाड़ी लगा रखे हैं, कहीं और काम कर रखे हैं, किसी के साथ काम पर जा रखे हैं, ये एक अलग से मामला है जी। हालांकि सख्ती तो उनके ऊपर भी है, यानी कि आपने फील्ड के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह किया हुआ है और बाहर आप अपना काम किए जा रहे हैं किसी के साथ यानी कि दिहाड़ी वगैरह के ऊपर या नौकरी के ऊपर, तो इसके ऊपर भी सख्ती है जी। इसके ऊपर भी आपको पकड़ा जाएगा, तो आपसे पूछ तो हो सकती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खासकर साई खास अमल मंजिली वगैरह वाले जो अफराद हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जी जो इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर जुर्माना मुतारफ़ करवाया गया है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। क्लियर ये करना चाहता हूँ, ये उन बंदों के लिए है, आप कफील के साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट करके और ख़ुद से आपने अपनी खजूर की रेड़ी लगाई हुई है या खजूर की दुकान बनाई हुई है या को आप सब्ज़ी वगैरह बेच लेते हैं। अच्छा, होता क्या है कि आपने अक्सर, मैंने अभी तो बड़ी माल गिराया जा चुका है, लेकिन जो सूख मगर भी था उसके अंदर मैंने खुद से देखा, एक बंगाली था जी और उससे अच्छी खासी गपशप थी, उसकी शॉप की मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की। काफ़ी बड़ी शॉप थी ये इसकी, जो खजूर वगैरह बादाम वगैरह इनकी जी। तो बहरहाल जी, कफील आया उसका और उससे उसने बोला है कि मैं उस वक्त यहाँ वहाँ पर ही मौजूद था कि अगर कुछ सख्ती वगैरह वाला मामला है, ये चेकिंग वाले बंदे हैं, तो तुमने मेरा नाम नहीं लेना है, अपनी जिम्मेदारी तुमने खुद उठानी है, काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी है। क्यों कफील को भी भाई इसके ऊपर फिर फ़ाइन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो आम रेडी वगैरह लगा लेते हैं या सब्ज़ी वगैरह बेचने लग जाते हैं या कुछ और काम करने लग जाते हैं, मोबाइल से कवर वगैरह ऐसे रख कर मस्जिदों के बाहर या कहीं भी चरवाहे वगैरह में बेचना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए जी होगा कुछ यूँ जी कि 1 साल की कैद है और यहाँ पर देख ले जी, और सॉल्फ यानी कि लाख रियाल का जुर्माना है। 1 साल कैद और लाख रियाल का जुर्माना है, और ये उनके लिए है जी जो गैर मुल्की हैं, सऊदियों के लिए भी है, लेकिन गैर मुल्कियों के इसमें यह भी है जी कि मुल्क बदर भी किया जाएगा और साथ में बैन कर दिया जाएगा, दोबारा सऊदी अरब में वर्क वीजा इनका बैन कर दिया जाएगा। तो जो सऊदी हजरात हैं उनके ऊपर भी ये फाइन होगा, लेकिन ये खासकर बेसिकली तो है ही गैर मुल्कियों के लिए है जी कि अगर आप कफील के साथ अपना एग्रीमेंट करके बाहर कुछ काम कर रखें, जो आपका काम है, जो आपका महीना है, वही काम कीजिए, इसके हटकर कुछ मत कीजिए। तो अगर आप खुद से अपना कुछ काम वगैरह कर रखे हैं तो कफील आपका आपके साथ ही रहे, यही बेस्ट है, नहीं तो उसका घर वगैरह साथ हो, चलो चेकिंग वाला बंदा आ जाए तो वो कफील निकल कर आ जाए, हाँ भी मैं घर पर मौजूद था, ये बंदा मैंने वैसे बैठाया हुआ है।